press the subscribe button, press the bell icon. You will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे चीज़ी ब्रेड पकौड़ा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हम 1/4 चम्मच जीरा और राई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच अमचूर, 1 हरी मिर्ची कटी हुई, लहसुन 1/2 चम्मच कटा हुआ, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, कसूरी मेथी, गरम मसाला 1/4 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, आलू 3, प्याज कटे हुए, 1 बॉल मोज़रेला चीज़, 6 पीसेस ब्रेड के, 2 चम्मच धनिया और 1 बाउल बेसन। एक बाउल में हम बेसन डालेंगे, उसमें 1/4 चम्मच से कम हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, सॉल्ट टू टेस्ट। अब पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए हमें 1/4 कप पानी लगता है। पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, जीरा और राई डालेंगे, 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन डालेंगे, आप लहसुन अवॉइड भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, हरी मिर्ची डालेंगे कटी हुई और प्याज डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते मत डालना। हल्दी 1/4 चम्मच, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गरम मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, अमचूर 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच और अच्छे से आलू, मैश किए हुए आलू डाल के मिक्स कर लेंगे। मसाला एकदम ठंडा होने के बाद हम इसमें चीज़ मिलाएंगे और धनिया मिलाएंगे। मेक श्योर कि आपका जो मसाला है वो एकदम ठंडा होना चाहिए, अदरवाइज चीज़ इसी में मेल्ट हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ब्रेड के स्लाइस पे हम हमारा मसाला, बना हुआ मसाला लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पीस पे भी हम लगा लेंगे। और इनको एक दूसरे ऊपर रख देंगे। इसको पेस्ट में अच्छे से डिप कर लेंगे, पूरा पेस्ट में कवर करना है इसको और बहुत केयरफुली करना है क्योंकि ये टूटने का डर रहता है ब्रेड का। और इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई टिल गोल्डन ब्राउन। इसी तरह प्रकार हम दूसरा ब्रेड स्लाइस तैयार कर लेंगे। आप एक ब्रेड से 2 पीस बना के भी कर सकते हैं अगर आपको उस बड़े पीस को फ्राई करने में प्रॉब्लम होती है तो। हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है। ये हम दूसरा स्लाइस तैयार करेंगे। ब्रेड पकोड़े बनके तैयार हैं। यम्मी एंड चीज़ी ब्रेड पकोड़ा रेडी टू सर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।